वो तीनों है तो इसी फैमिली के बच्चे, अमीन अंगद आदि का बेटा है, पीयू तुम्हारी बेटी है, अमीन व्हाटएवर। और तीसरा, तीसरा वो आपका वफादार नौकर, उसे हायर तो आपने किया लेकिन लाइफ हमारी खराब कर रहा है वो। काम डाउन जोश, तुम एलके से ढंग से बात करो ठीक है। एलके इतना अच्छा इक्वेशन है हमारा, हम अपने पास्ट को पीछे छोड़कर इतना आगे आ गए हैं, पर पिछले 3 साल में तुम्हारा बिजनेस चल नहीं रहा, हमें एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अग्री सिड, मेरा काम है बिल्डिंग्स बनाना, और वो तब बनती है अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जो लाना आर्किटेक्ट्स का काम होता है। एंड एज यू नो, जोश हमारी कंपनी का हेड आर्किटेक्ट है। इसके डिजाइन रिजेक्ट हुए हैं और उन तीनों के अप्रूव। आइस लाना। नोटेड। अमीन, अब ब्लेम गेम खेल के क्या फायदा? एग्जैक्टली राइट, ओवर ड्रामेटिक होके क्या फायदा यार? अमीन, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को ये भी कह सकते हैं कि एआरपी है तो तुम्हारे बच्चों की कंपनी, तो ये भी हो सकता है कि तुम इन्हें डिजाइंस दिए ताकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पर पापा ऐसे क्यों करेंगे? मेरी इकलौती बेटी जो मेरे लिए सब कुछ है, जिसकी शादी तुम्हारे बेटे से होनी है, उसके कॉम्पिटिटर को मैं डिजाइंस दूंगा। काम डाउन, हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमें मिलके कुछ सलूशन ढूंढना चाहिए ताकि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाए। वी कैन स्टिल गेट इट। कैसे ब्राजी, तुमने देखा ना उसे? मैं कह रहा हूँ वो बदला लेने आया है, हमने उसे एक्सपोज किया और वो हमें डिस्ट्रॉय करने आया है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आप लोगों को दिख कैसे नहीं रहा। यू नो, बहुत अच्छे से जानता हूँ राघव को, उसकी काबिलियत, उसका टैलेंट, उसका हार्डवर्क बहुत करीब से देखा मैंने। उसी से बदला लेगा वो, अपने हुनर से। हमें वहां फोकस करना चाहिए। एलके, आई थॉट वी ऑल हेटेड हिम, पर यार तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। सिड, अगर उस टाइम मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आया होता कि राघव इस घर की बच्ची से प्यार करता है, अगर मेरा ईगो बीच में नहीं आया होता, अगर मैं उस किस्म का स्ट्रिक्ट और गुस्से वाला आदमी नहीं होता जैसे मैं था, तो हो सकता है कि मैं इस सिचुएशन को और सेंसिबल तरीके से हैंडल कर लेता। राघव बदला लेने वालों में से नहीं है, ही इज अ जीनियस। उसकी काबिलियत ही उसकी ताकत है और यही उसका रिवेंज है। वो ठोकर खा के गिरा है, बहुत ऊपर उठेगा। आई हैव अ फीलिंग वो कुछ ऐसा करेगा कि हम सब देखते रह जाएंगे। इंटेंशन नहीं है उसे उसका हमें ठेस पहुंचाने का, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत ठेस पहुंचा सकता है रिवेंज लिए बिना। बस यार, अगर उसे इतना ही प्यार था, उसके हुनर पर इतना ही भरोसा था, तो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा दी उससे? मैं शादी कर रहा हूं। What? तू सुबह सुबह पी के आया क्या? तुम दोनों की शक्ल देखने वाली होगी थी, तुमने शादी नहीं पता नहीं बॉम्ब बोल दियो। ये देख ना, फोटो देख। पिटे का। अबे सुन, इमेजिन कर, 80s का एरा, एक शानदार फंक्शन, एक ब्यूटीफुल लड़का, कितने रिश्ता थे हमारे राघव के लिए यार। बस कर यार, काम करने दे। अगर लेट्स बी सीरियस, कॉफी दे रहे हैं ना? हाँ। हेलो, हाय राघव, व्हाट्स अप? इट वाज लवली कैचिंग विद यू लास्ट नाइट। सॉरी, हु इज दिस? डोंट यू टेल मी तुमने मुझे नहीं पहचाना। नहीं पहचाना यार। अरे हम लोग मिले थे मेरी होने वाली भाभी के थ्रू। कौन भाभी? अरे मैं, जोश की सिस्टर। हे, क्या रहे? कुछ काम था? हम लोग एक ही टाउन में हैं। तो चलो मिलते हैं ना, लाइक ओल्ड टाइम्स। आई थिंक हमने कभी हैंग आउट नहीं किया। ऑफ कोर्स किया है। हमने कितने फैमिली फंक्शंस अटेंड किए, कितना चिल किया है, भूल गए क्या? तुम डिनर पे क्यों नहीं आते हो? बस मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे। ओके, आई विल सी यू। हे लिस्ट, आई एम टेलिंग यू, कल पार्टी में राघव वाज फुली चेकिंग मी आउट। नाउ तो हमें राघव से मिलना ही पड़ेगा, वो पक्का डिनर पे आ रहा है ना? ऑफ कोर्स आ रहा है, कियारा को कोई कैसे मना कर सकता है। सी यू एट डिनर देन, बाय। बाय बाय, सी या। राघव, कियारा, तूने तुझे डिनर पे बुलाया? हम आज आके करेंगे क्या? तूने कभी बात भी की उससे? अभी की ना, तुम दोनों के सामने। अभी तू जानता नहीं उसके, बहुत डंब है वो लड़की, तू एक मिनट बात नहीं कर पाएगा उससे। रियली? और क्या जानते है तू उसके बारे में? अरे यार पूछ मत, इतनी डम है कि वो हैंडबैग की जगह अपना दिमाग लेके घूमती है साथ में। Really? अरे उसके तो फेक नील्स है ना, उसके पास तो जगह ही नहीं होगी अपना दिमाग बैग में रखने की, है ना? तो फिर तुम्हें जाना चाहिए।
तुझे नहीं, हमें हमें ओ, क्योंकि तुझे प्राची से मिलना है ना। अब वो मेरी लाइफ में मैटर नहीं करती, सिर्फ एक स्ट्रेंजर है जिसे मैं कभी लाइक किया करता था। वो फिलहाल जोश के साथ है, उसके साथ खुश है, उसे प्यार करती है। और वैसे भी कियारा शी इज जस्ट अ किड यार, हम सबसे मिलना चाहती है। अगर हम नहीं गए तो भी प्रॉब्लम होगी, तो हमें जाना चाहिए। राइट राइट सीरियस कियारा, तुमने राघव को डिनर पे बुलाया आफ्टर ऑल, जब तुमने देखा है कि क्या क्या किया उसने हमारे साथ। रिलैक्स भाई, इट्स नॉट अ बिग डील, पास्ट को इतना स्ट्रेच क्यों करना। और वैसे भी हमने राघव के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, आपको याद है राघव के इंस्ट्रक्शन के बिना हम प्राची से बात तक नहीं कर पाते थे। और अगर वो पीहो रंगत के साथ आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। यू आर राइट कियारा, 3 साल हो गए, आई थिंक पीहो और प्राची को पैचअप कर लेना चाहिए। हेलो हेलो 1001 अंगद अंगद लिसन, अभी जस्ट कुछ रैक हुआ है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। सुन, तेरे चक्कर में ना मुझे पुशअप मारने पड़ गए नींद भगाने के लिए। प्लीज घर आ जा यार, पी को अपने सुनना, और मुझसे अब हैंडल नहीं हो रहा, पुशअप मारते मारते मैं थक गया हूं यार। तो बोल मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, ठीक है। चलो फोन रखो, बाय। पीयू दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। पीयू दरवाजा खुला हुआ है। राघव आई माई आई लव हिम, आई लव हिम अ लॉट, प्लीज मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज। वो जोश, वो एक्चुअली मैं जोश के साथ पार्टनरशिप करने को रेडी हूं। थैंक यू। जोश से कहना वो बहुत लकी है। क्योंकि तुम पार्टनरशिप के लिए मान गए? नहीं, क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। यार तुझे पता नहीं है पिछले दिनों में यहाँ पे क्या क्या हुआ यार, तू देख आ जा। All set? हाँ, all set, good to go. क्या बोला तूने, good to go? तेरे बाप ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, गुड नहीं बेस्ट है ये। हाँ मतलब ठीक है, अगर हाँ है तो चेक क्या कर रहा है, मेरे काम चेक करेगा तू? इतना बड़ा हो गया तू? LK, देख रहा तू? डैड मैं ARP का लीगल हेड हूँ, ये मेरा काम है। नहीं तो लीगल हेड है तो क्या हुआ, तेरा काम मेरा काम चेक करना हो गया? हाँ ये काम करेगा तू? इतना ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट चेक करना मेरा काम है। कांट अफोर्ड एनी मिस्टेक्स। मिस्टेक? अरे डैड क्या कर रहे हो, बताएगा मुझे? अरे डैड ये जाओ, ये प्रोफेशनलिज्म सिखाएगा मुझे? बैठ जाओ वहां घर पे, तुझे घर से बाहर निकालता हूं, तुझे पता तो तुझे प्रोफेशनलिज्म। वैसे भी अब मैं आपके साथ रहता नहीं हूं, घर से निकल गया। वो फैक्ट्री तो बोल रहा है ना यार वो। अच्छा ये फैक्ट बोल रहा है, तू भी उसकी साइड ले रहा है? अरे मैं तो साइन करे। यस प्लीज। गाइस इफ यू डोंट माइंड, मैं राघव से कुछ बात करना चाहता हूं। हेलो प्लीज। अकेले में
Well done, Raghav. You've come a long way. तुम्हारी सक्सेस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. All thanks to you. जो भी सीखा है, आपसे सीखा है. चलो कम से कम तुमने मुझे अपना मेंटर तो माना. डिनाई कर भी कैसे सकता हूँ. तो अपने मेंटर की एक बात ध्यान से सुनो. मैंने भी कभी किसी से बहुत प्यार किया था राघव. उसके लिए सारी हदें पार कर दी. इतना फाइट किया सबसे कि दुनिया ने मुझे गलत समझ लिया. उस प्यार के शैडो से बाहर निकलने में मुझे वक्त लगा. मैंने अपनी बेटी तक का रिश्ता उस लड़के से फिक्स कर दिया. सिर्फ इसलिए क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था उसने मुझसे ये मांगा और मैं उसे मना नहीं कर पाया. जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहता तुम भी वही करो. ये डील जो तुम साइन करने वाले हो, सोच के करो. इसलिए नहीं कि तुम प्यार के लिए कर रहे हो. आई एम सॉरी सर, आपकी बात को बीच में काटने के लिए, पर जिस राघव को आप समझा रहे हो ना, वो पहले ही बहुत कुछ सीख चुका है. अब मैं अपने काम से प्यार करता हूँ. लाइफ में मुझे कुछ नहीं चाहिए. मेरे सारे डिसीजन अपने काम पे फोकस करके लेता हूँ. एंड दैट्स इट. वेरी वेल देन. All the best. Thanks. And trust me, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.